इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपना वेबसाइट नेम किस तरह से गूगल सर्च में शो कर सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट में अपना यूआरएल दिखा रहा है तो आप अपना वेबसाइट नाम किस तरह से दिखा सकते हो गूगल सर्च बार में या गूगल सर्च में। तो दोस्तों, आपका वेबसाइट अगर वर्डप्रेस में है, ब्लॉगर में है या किसी भी लैंग्वेज में है जैसे PHP या अदर्स लैंग्वेज में है, तो तब भी इस वीडियो को आप देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह कैसे गूगल सर्च में अपना वेबसाइट नेम को शो करने हैं। वर्डप्रेस के लिए भी मैं बताऊंगा और आपका कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज है तो तब भी आप इस वीडियो को देख लेना, उसे लिए भी मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से अपना जो वेबसाइट नेम शो हो रहा है और URL शो हो रहा है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक गवर्नमेंट वेबसाइट को सर्च किया हूँ और यहाँ पर वेबसाइट नेम शो हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो वेबसाइट नेम है ये शो हो रहा है, और अगर मैं दूसरे जो दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर ये भी एक उनका ही वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पर URL शो हो रहा है। तो दोस्तों, इसको किस तरह से रिमूव करना है और अपना वेबसाइट नेम किस तरह से आप शो कर सकते हो गूगल सर्च में, तो ये जो आपका कोडिंग है इस कोडिंग को समझना है। समझने के बाद अपना वेबसाइट में अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, इस कोडिंग को हम समझ लेते है। दोस्तों, ये कोडिंग ओनली यूज होम पेज, आप यहां पर देख सकते हो ये यूज ओनली होम पेज, होम पेज पे ही ये यूज कर सकते हो। अदर्स कोई पेज में ये कोड आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं जो यहाँ पर वेबसाइट स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। दोस्तों, वेबसाइट स्ट्रक्चर जो डेटा है उसको सबसे पहले आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो वेबसाइट स्ट्रक्चर डेटा क्या है सबसे पहले हम देख लेते हैं। दोस्तों, वेबसाइट स्ट्रक्चर डेटा आप समझ सकते हो ये जो है इसको ही हम कहते हैं वेबसाइट स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। ये हेड के अंदर होगा, ठीक है, हेड सेक्शन के अंदर होगा। आपका अगर वर्डप्रेस में है तो आप इसको कोडिंग को चेंज करिए और हेडिंग सेक्शन में इसको डाल सकते हैं, या आप चाहे तो अपना जो स्कीमा डेटा है उसको ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। जो स्क्रिप्ट आपको जो कुछ चेंज करना है वो भी मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। टाइटल में जो चेंज करना है दोस्तों वो है एग्जांपल। एग्जांपल क्या है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जांपल है आपका वेबसाइट नेम। उसके बाद एक डबल कॉलम देना है, उसके बाद आपको जो अबाउट अस है एग्जांपल का वो दे देना है, ठीक है। जैसे आप समझ लो मेरा जो वेबसाइट नेम है, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, मेरा नाम से ही बता रहा हूँ नूर, तो आपको यहाँ पर नूर दे देना है और यहाँ पर आपका जो अबाउट अस है वो दे देना है। जैसे मैं अगर मेरे बारे में लिखूँगा तो यहाँ पर ये यूट्यूबर में लिख सकती हूँ, ठीक है, यूट्यूबर, आई एम ए यूट्यूबर, ठीक है, ठीक है, यूट्यूबर, TUBR, ठीक है, आई एम ए यूट्यूबर, एम ए यूट्यूबर। तो ए में लिख सकता हूँ टाइटल में। अगर हमारा वेबसाइट का नेम नूर है तो हम यहाँ पर नूर ही दे दूँगा। उसके बाद दोस्तों ये आपको सेम रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, ए लाइन देख रहे हैं, ए भी लाइन सेम रखनी है, और टाइप भी आपका वेबसाइट, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट स्ट्रक्चर डेटा, तो हम यहाँ पर वेबसाइट स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर डेटा है उसको हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको जो मैंने बताया है कि आपको सबसे पहले होम पेज में रखना है और हेड सेक्शन के अंदर रखना है, आप देख सकते हो इसको हेड सेक्शन के अंदर रखना है। उसके बाद दोस्तों आपका नेम दे देना है। नेम क्या है, आपका जो कंपनी का नेम है या आपका जो वेबसाइट का नेम है वही दे देना है। लाइक अज मेरा नाम नूर, तो मेरा वेबसाइट का नाम नूर में एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ तो नूर होगा। आपका कोई अगर ऑल्टरनेटिव नेम है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं इसको करूँगा तो ठीक है, मैं पहले नाम पर आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। एग्जांपल कंपनी अगर आपका नेम है कंपनी का या वेबसाइट का, तो आप यहाँ पर ऑल्टरनेटिव नेम पर आप इसका जो शॉर्ट नेम है ये यहाँ पर दे सकते हो। जैसे यहाँ पर EC दे रखा है,
यूआरएल क्या होगा दोस्तों, यूआरएल आपका जो कोनिकल टैग है जिस वेबसाइट का, ठीक है, जो होम पेज का कोनिकल टैग है, इसको आप यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर आपको जो भी है आपका, अगर example.com है आपका वेबसाइट का जो लिंक है वो दे दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेम इसको रखना है, सिंपली यहाँ पर जो भी है आपको सेम रख देना है। आपको सिंपली यूआरएल टेम्पलेट में आना होगा और यहाँ पर आपका जो यूआरएल example.com है यहाँ पर सिंपली आपको इसको चेंज कर देना है, ठीक है। ये सब कुछ चेंज करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर हो गया है, ठीक है। ये जो उसके बाद यहाँ पर जो अब भी स्क्रिप्ट, यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट जितना है वो सेम रखना है, हेडिंग जो एंड होता है वो भी सेम रखना है। उसके बाद स्टार्ट होगा बॉडी, बॉडी को आपको ये मेंटेनेंस करना है कि बॉडी के बाद ऊपर जो रहेगा, तो आपको ये जो स्क्रिप्ट के एंड होता है उसके बाद जो यहाँ पर स्क्रिप्ट होता है, ये जो लाइन है, ये जो मैंने सिलेक्ट करके आपको दिखाया हूँ, ये होगा वेबसाइट टाइप स्कीमा, ठीक है, या वेबसाइट स्ट्रक्चर डेटा जो आप कहोगे वही ये। अब समझ लो कि ये है वेबसाइट के नेम के थ्रू ये यूज़ करता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ कर लेना है, ठीक है। ये आपको मैं दूसरी बार बताता हूँ, ये यूज़ होना है सिंपली आपका हेडर सेक्शन में और ये सिंपली हेड सेक्शन में ही यूज़ होगा, ठीक है। ये ओनली होम पेज में यूज़ होगा और हेड सेक्शन में ही यूज़ होगा। इस टाइप को आप एडिट कर लेना, एडिट करके ये जो कोड है इसको पेस्ट करना है, ठीक है। आपको टाइटल और कंटेन द टाइटल एलिमेंट, मैंने पहले से ही आपको बता दिया हूँ कि आपको टाइटल किस तरह से रखना है। जैसे मेरा नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हो टाइटल, टाइटल अगर नूर दोगे उसके बाद आपको एक डबल डॉट या कॉलन देना है, आई एम ए यूट्यूबर, उसके बाद आपका जो भी अबाउट है वो भी दे देना है। चलिए दोस्तों, आप भी H1 या हेडिंग एलिमेंट, हेडिंग एलिमेंट क्या होता है दोस्तों, जैसे आप समझ लो H1, H2, H3 या H1 जो होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक कोड लिखकर बता देता हूँ जिस दोस्तों, ठीक है। H1 जैसे मेरा नाम है, आप समझ लो मेरा वेबसाइट का नाम है नूर, तो आप यहाँ पर नूर देंगे एंड इसको क्लोज कर देंगे सिंपली, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो ए होगा एक हेडिंग सेक्शन का एलिमेंट जो आपको रखना है। और दोस्तों जो एक चीज़ रखना है आपको ओजी, ठीक है, ओजी साइड नेम, ओजी साइड नेम भी आपका वेबसाइट का अंदर रखना है, जो ओजी साइड नेम होगा, ठीक है। उसके बाद और जो काम करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर बॉडी सेक्शन में चले आना है एंड बॉडी सेक्शन में आने के बाद आपको एक डीप क्लास स्टार्ट करना है। और इस जो कोड है मैं आपको सिंपली अलग करके दिखा देता हूँ, ये जो कोड है इस कोड को आपको पेस्ट करना है, ठीक है। इनका जो आप पहले वाला जो भी है आपको सेम रखना है और दूसरे वाला में आपको सिंपली जो आपका URL है कोनिकल URL आपको यही डालना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो नेम है कंपनी का या वेबसाइट का, उस नेम को डालना है यहाँ पर, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर नूर दे देता हूँ। तो अगर ये सब आप कंप्लीट कर लोगे एंड कंप्लीट करने के बाद आप अपना वेबसाइट को दूसरी बार गूगल इंडेक्स में री इंडेक्स कराओगे, तो आपका वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि आपका वेबसाइट ये जो नाम है वो अपडेट हो जाएगा 3 से 7 दिन के अंदर, हो सकती है, ठीक है। आपका वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये नाम कितने क्रॉल के थ्रू आपका जो वेबसाइट का नेम चेंज हो सकती है या टाइम ले सकती है। दोस्तों इस कोड को अगर आप लेना चाहते हो तो इस कोड का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आपको अगर इस टाइप का जो आप यहाँ पर मैं देखा देता हूँ, इस टाइप का जो चाहिए, इस टाइप का अगर आपका वेबसाइट का नेम कोई सर्च करे और इस टाइप का जो आपका साइट लिंक्स आ जाए, तो आपको किस तरह से लाना है वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा, जो कोई एक नया वीडियो में बताऊंगा अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।